आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। सड़कों की हालत जर्जर, बेमौसम बारिश से सड़क कीचड़ से सरोबार। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसमें प्रमुख सड़कों में डबरा से खरसिया एवं चंद्रपुर से डबरा सड़क मार्ग की हालत दयनीय हो चुका है। इन सड़क मार्गों पर आने जाने में राहगीरों को भारी असुविधा हो रही है। सड़कों में कीचड़ होने से स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानी हो रही है। सड़क मार्ग से बीमार मरीज को लेकर डबरा खरसिया अस्पताल पहुँचने में भी परेशानी होती है। दो दिनों से हुई बेमौसम बारिश से सड़क कीचड़ में तब्दील हो गया है, जहाँ बारिश में सड़क मार्ग की जगह जगह पर गड्ढे में पानी भर चुके हैं, जिसमें मोटरसाइकिल एवं साइकिल चार पहिया वाहनों में चलने वाले चालकों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत भी जर्जर हो चुका है, ग्रामीणों को आने जाने में असुविधा हो रही है। बताया जा रहा है कि डबरा से फोग्राम तक एवं चंद्रपुर से सपोज और सपोज से डबरा तक सड़क निर्माण कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेके पर दिया जा चुका है, परंतु ठेकेदार द्वारा धीमी गति से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। जबकि दो माह पूर्व सड़क निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन किया जा चुका है, इसके बाद भी ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाया गया है, निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। सड़क मार्ग इतना खराब हो चुका है कि लोगों को चलना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ सड़क में गड्ढे तो दूसरी तरफ गड्ढे में पानी से ग्रामीण राहगीर परेशान है। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राछा भाटू से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। और पूर्व में मेरी मिसेस सरपंच भी थी, 3 साल से ये रोड इतना गंदा खराब हो गया, खरसिया और डबरा रोड। फिलहाल तो चंद्रपुर तो गई नहीं हूँ और आने जाने में बहुत दिक्कत है। बच्चों अगर कुछ या परेशानी हो जाता है या जच्ची पेट आ जाता है, इतना ख़राब है कि आने जाने में पूरा परेशानी ही परेशानी है। मैंने तालाब से बता है, खेत बोलेंगे हम लोग, खेत बोलते हैं, जोड़ी कर लेंगे, वैसे हो गया है पूरा, बहुत दिक्कत है। और हमारे कोई भी मैंने नेता है, जन नेता, जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो, इनके औकात कई बार करा चुके हैं, कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं और परेशानी झेल रहे हैं। शासन प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रहे हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका कोई समस्या का कोई हल ही नहीं दिख रहा है। यहाँ गया था काम से और सड़क की हालत पूछ रहे हैं आप। यहाँ से जाने में भी 1.5-2 घंटा लगा है और आने में भी लगा है। दिन भर तो डबरा से खरसिया जाने में अप डाउन करने में दिन भर लग जाता है। बहुत दयनीय पोजीशन है, जगह जगह में गाड़ी खराब खड़े हुए पड़े हैं, कई जगह गाड़ी भी फंसे हैं। और अभी देख रहे हैं ये जो गड्ढा है और यहाँ कोई रिपेयरिंग करने वाला कोई नहीं है, नहीं तो पूछने वाला भी नहीं है।